नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है एस आस्था आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड क्लिनिक असन में। और आज हम जिस जड़ी बूटी को आपके बारे में बताएंगे उसका नाम है सहदेवी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्नोनिया साइनेरिया, इसका ये लेटिन नेम है। तो जो सहदेवी जो हर्ब है, इसका बहुत ही पुराने टाइम से इसका वर्णन मिलता है। जो अति प्राचीन जो आयुर्वेद की बुक्स हैं, जैसे चरक संहिता है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। भाव प्रकाश निघंटू, जो कि 16वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है, इसमें इसका परिशिष्टी यानी लास्ट में इसका वर्णन मिलता है, बाकी ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं है। सहदेवी, सहदेवी एक चमत्कारी जड़ी बूटी है। इसका आयुर्वेद के अलावा कर्मकांड या तांत्रिक विद्या में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम आपको सिर्फ आयुर्वेद के बारे में इसका जो वर्णन मिलता है उसको बताएंगे, और ये कैसे काम करती है, किन किन बीमारियों पे काम करती है, उसका पूरा हम डिटेल। जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव करती हैं। ये अनेक तरीकों से अपना काम करती है शरीर में, जैसे कि खाने से भी काम कर सकती है या फिर प्रभाव से काम करती हैं। उनमें से एक सहदेवी है, इसके प्रभाव से ही बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। खासकर ज्वर में जो पुराना बुखार होता है, क्रोनिक फीवर जिसको बोलते हैं, या फिर एक्यूट फीवर, तेज़ बुखार जैसा कि आजकल हो रहा है डेंगू फीवर में, तो इसके प्रभाव मात्र से ही बुखार उतर जाता है। आयुर्वेद में ऐसी एक जड़ी है, इसका शरीर पे इसके तने को या इसकी मूल को बांधने से ही बुखार एकदम आपका शांत हो जाएगा। साथ में अगर आपको अनिद्रा यानी कि रात को नींद नहीं आती, दैट इज़ इंसोमिया की प्रॉब्लम है, तो इसका इसका पौधा जड़ समेत उखाड़ के इसको और साफ करके तकिए के नीचे रखो और आराम से आप सोइए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इसका प्रभाव है, खासकर ज्वर में, फीवर में और इसमें अनिद्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। सहदेवी की आपको मैं पहचान बता देता हूँ, इसके तुलसी की तरह के पत्ते होते हैं, या फिर कुछ कुछ लगा दीजिए पुदीने की तरह के पत्ते होते हैं, और जैसे जो तुलसी की जो बनावट होती है ऐसा ही इसका पौधा होता है। ये खाली जगह में, बिल्कुल वीरान जगह में मिलता है आपको, खासकर रेतली भूमि में आपको मिलेगा। और इसका पौधा बरसात के बाद इसका उगता है ये, और इसके लगभग आप अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में इसके छोटे छोटे नारंगी गुच्छों में फूल आते हैं नारंगी रंग के, और इसका जो जो इसका स्वाद बड़ा तीखा स्वाद यानी कि तिक्त इसका रस होता है, और ये जो इसका तासीर होती है वह गर्म होती है। जवरम हंति शिरोबद्धा सहदेवी जटा यथा, ये चरक संहिता का सूत्र है, यानी कि किसी भी प्रकार के ज्वर में इसकी जटा यानी मूल को सिर में बांधने से किसी भी प्रकार का ज्वर एकदम उतर जाएगा आपको, यानी कि ज्वर से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा शोढल निघंटू में बताया गया है कि इसकी इसके पत्तों के रस को पीस के कल्क बना के, पिंड बोलते हैं उसको, विभिन्न प्रकार के चमड़ी के रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। खासकर जो बड़े बड़ी फुंसियाँ निकल जाती हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। तिक्त रस होने के कारण ये डाइजेशन में आपको आराम करेगा, और स्वेद जनन होने के कारण विभिन्न चमड़ी की बीमारियों में ये काम करता है। इसका लेप भी प्रयोग कर सकते हैं, और आंतरिक रूप से हम इसको रस के रूप में 10 से 20 ml तक की हम इसकी मात्रा ले सकते हैं, और अगर काढ़ा बनाना चाहें तो काढ़े की मात्रा 50 ml तक होती है। सहदेवी की दो प्रजातियां होती हैं, एक श्वेत पुष्प और एक नील पुष्प। नील पुष्प साधारणतः पूरे भारत में आपको मिल जाएगी, और जो श्वेत पुष्प जो सहदेवी होती है वो एक रेयर कभी मिलने वाली होती है, यानी कि हर जगह पे आपको वो नहीं मिलेगी। श्वेत पुष्प जो सहदेवी होती है उसका खासकर तांत्रिक लोग तंत्र विद्या में इसका प्रयोग करते हैं। वैसे ये जो दोनों तरह की सहदेवी जो एकांत ज्वर
यानी कि जो एक दिन को छोड़ के ज्वर आता है उसमें प्रभाव से ही काम कर देती है। यानी इसकी तने को या इसके मूल को आप सफ़ेद कपड़े में बांध कर और इसकी कलाई में बांध दीजिए किसी भी पेशेंट के या बच्चे के, तो प्रभाव से ही ये ज्वर से मुक्ति दिला देगी। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको और जानकारी चाहिए सहदेवी के बारे में या अन्य जड़ी बूटियों के बारे में, तो नीचे लिखे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी आपकी जिज्ञासा हो या कोई प्रॉब्लम हो आपको, बीमारी एक से एक पुरानी बीमारियां होती हैं, अगर आपको कंसल्टेशन या कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप हमसे सीधा हमारे क्लिनिक पर मिल सकते हैं, जिसका कि एड्रेस नीचे लिखा हुआ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।